नमस्कार लर्नर्स, मैं डॉक्टर रुचि पांडे उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के रसायन विज्ञान विभाग से आज बीएससी सेकंड ईयर के स्टूडेंट के लिए आइसोमर्स ऑफ कोऑर्डिनेट कंपाउंड का पार्ट 5 लेके आई हूँ। आइसोमर्स ऑफ कोऑर्डिनेट कंपाउंड, कोऑर्डिनेट कंपाउंड हम आपको बता चुके हैं, जो कोऑर्डिनेट कंपाउंड जो सेंटर मेटल व्हेन बी सराउंडेड बाय द नंबर ऑफ लिगेंड दैट इज नोन एज द कोऑर्डिनेट कंपाउंड। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइसोमर्स, आइसोमर्स मीन द कंपाउंड व्हिच हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड इट्स केमिकल प्रॉपर्टी दैट आर नोन एज द आइसोमर्स। उसे हम क्या कहते हैं, आइसोमर्स कहते हैं जिनका केमिकल फॉर्मूला तो सेम होता है लेकिन उनके स्ट्रक्चर और केमिकल प्रॉपर्टीज में वेरिएशन आता है, डिफरेंस आता है, तो उसे हम किस नाम से जानते हैं, आइसोमर्स के नाम से जानते हैं। आज हमारा ये पार्ट 5 है जिसमें हम आपको बताएंगे कि आइसोमर्स आपके जो है कितने टाइप के होते हैं, वो तो हम आपको बता चुके हैं। आज आपको हम बताएंगे कि आइसोमर्स में लिगेंड आइसोमर्स क्या होता है, पार्ट 5 में लिगेंड आइसोमर्स किसे कहेंगे। लिगेंड आइसोमर्स क्या होता है, देखिए सर्टेन लिगेंड, पहले तो प्रश्न उठता है कि लिगेंड्स क्या होता है, सेंटर मेटल के सराउंडिंग जितने नंबर ऑफ डोनर एटम प्रेजेंट होता है दैट इज नोन एज द लिगेंड, उसको हम क्या कहते हैं, लिगेंड के नाम से जानते हैं। ये पहले डिस्कस कर चुकी हूँ मैं आपको बात कई वीडियोज में, पुराने वीडियोज को आप चेक करिएगा कि मैंने उसमें सेंटर मेटल क्या होता है, लिगेंड क्या होता है, आयनाइजेशन स्पेयर्स क्या होता है, ये सब चीजें डिफाइन कर रखी है। तो लिगेंड क्या होता है, देखिए सर्टेन लिगेंड सच एज द डायमीन डेरिवेटिव्स और प्रोपेन, सो द टू आइसोमर्स फॉर्म नेमली प्रोपाइलीन डायमीन और 1,2-डायमीन प्रोपेन एंड ट्राइमीन ट्राइमिथाइलीन डायमीन एंड 1,3-डायमीन प्रोपेन। कुछ लिगेंड जो कि इस तरह के आइसोमर्स दिखाते हैं वो उनमें से एग्जांपल कौन सा है, वो है हमारा पहला प्रोपाइलीन डायमीन। प्रोपाइलीन डायमीन को हम प्रोपाइलीन डायमीन को शॉर्ट में क्या बोलते हैं, PN, प्रोपाइलीन डायमीन या 1,2-डायमीन प्रोपेन, या उसका दूसरा नाम क्या है, 1,2-डायमीन प्रोपेन, या ट्राइमिथाइलीन डायमीन, ट्राइमिथाइलीन डायमीन उसका शॉर्ट नेम क्या है, ट्राइमिथाइलीन डायमीन का TN, या हम उसको कह सकते हैं 1,3-डायमीन प्रोपेन। ठीक, इस टाइप के लिगेंड फॉर्म ए कॉम्प्लेक्स विद द सेंटर मेटल एंड फॉर्म टू आइसोमर्स। इस तरह के जो लिगेंड होते हैं वो क्या बनाता है, किसी भी सेंटर मेटल के साथ कंबाइंड होकर आइसोमर्स बनाने की टेंडेंसी रखते हैं, आइसोमर्स बनाते हैं। This phenomena is known as the ligand isomers. इस phenomena को हम क्या कहते हैं, ligand isomers, और इस तरह के isomers को ligand isomers के नाम से जानते हैं। हम इसको ligand isomers क्यों कहते हैं, क्योंकि इनमें जो सारी isomers जो डेवलप हो रही है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ligand, जैसे मैंने बोला 1,2-डायमीन 1,3-डायमीन, तो यानी कि इसमें जो वेरिएशन आ रहा है, चेंजेस आ रहे हैं ligand की पोजिशन के कारण आ रहे हैं, इसलिए इन isomers को कौन सा isomers कहते हैं, ligand isomers कहते हैं। जैसे कि हम एग्जाम्पल मेरा बोला मैंने 1,2-डायमीन प्रोपेन या प्रोपाइलीन डायमीन, देखो 1 और 2 पोजीशन का एमीन जुड़ा है, 1,2-डायमीन हो गया, ठीक है, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन है, तो इसको हम कहेंगे प्रोपीन, शॉर्ट में हम क्या कहते हैं, PN कहते हैं। ठीक, अगर हम इसको आइसोमर्स बनाना चाहते हैं तो आइसोमर्स बनाने के लिए हम इस एमीन की पोजीशन को चेंज करेंगे, या इस एमीन की पोजीशन को चेंज करेंगे। अगर हम इस एमीन की पोजीशन को चेंज करते हैं तो चेंज करने के लिए हमारे पास केवल एक पोजीशन खाली है, लेकिन यहाँ पर अगर करते हैं तो तब भी ये 1,2 हो जाता है, नहीं अगर यहाँ से करना करोगे तो 1,2-डायमीन हो जाता है, तो एक बेटर ज्यादा रहेगा कि इस वाले एजिस्ट को उठा के हमने यहाँ शिफ्ट कर दिया, इस वाले एजिस्ट को उठा के हमने यहाँ शिफ्ट करा, तो हमारा क्या बन गया, 1,2,3 प्रोपेन, यानी कि ट्राइमिथाइलीन, यानी जिसे शॉर्ट में कहेंगे TN। कहने का मतलब है कि हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम था लेकिन हमने लिगेंड की पोजीशन चेंज कर दी, हमने लिगेंड की पोजीशन क्या चेंज कर दी, इस NH2 को उठा के हमने यहाँ शिफ्ट कर दिया। ठीक है, शिफ्ट करते ही कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो गया, चेंज हो गया, और वो क्या बन गया, आइसोमर्स में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरह के आइसोमर्स को हम कौन से आइसोमर्स कहते हैं, लिगेंड आइसोमर्स के नाम से जानते हैं। इसी तरह से एग्जांपल सिमिलरली ए एंड बी आर टू आइसोमर्स लिगेंड, दैट्स शो द लिगेंड आइसोमर्स, इसका मतलब जो हमारा स्ट्रक्चर ए और बी है हमारे क्या होते हैं, किस तरह के आइसोमर्स की कैटेगरी में आ जाते हैं, लिगेंड आइसोमर्स की कैटेगरी में आ जाते हैं। ठीक, इसी तरह से एग्जाम्पल एक और लेकर हमने CO सेंटर मेटल है, PN और TN, PN का मतलब हो गया क्या, फिनाइल हो गया, और TN का मतलब है ट्राइल हो गया। ठीक है, दो क्लोरीन है, दो क्लोरीन है, सिर्फ इनके रोटेशन, इनके रोटेशन के कारण जो आइसोमर्स होती है, देखिए आपके ये क्या आपका CL, एक CL यहाँ पर जुड़ गया, एक CL यहाँ पर जुड़ गया, एक CL यहाँ पर, यहाँ पर CL जुड़ा। ठीक है, यहाँ पर डोनर साइड नाइट्रोजन है और PN इसके नाइट्रोजन डोनर साइड है और PN इसके क्या होता है, आइसोमर्स है, कौन सा आइसोमर, ब्रिज आइसोमर्स, या इसको कहते हैं बाइडेंटेड लिगेंड, ये सब किस कैटेगरी में आते हैं, बाइडेंटेड लिगेंड में। ठीक है, और यहाँ पर इसकी पोजीशन पर PN हो गया और यहाँ पर इसकी पोजीशन पर क्या होगा, TN होगा, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन लिगेंड ने अपनी पोजीशन को क्या कर दिया, चेंज कर दिया, डाई ट्राई से क्या हो गया, पॉली में चेंज हो गया या PN में चेंज हो गया। तो इस तरह के आइसोमर्स कौन से आइसोमर्स की कैटेगरी में आती है, लिगेंड आइसोमर्स की कैटेगरीज में आती है। ठीक है, मतलब सिंपल में कह सकते हो कि लिगेंड आइसोमर में सेंटर
सेंटर एटम सेम रहेगा बट लिगेंड अपनी क्या होगा पोजिशन में किसी एटम को चेंज कर देगा, तो इस तरह की आइसोमर्स क्या कहलाएगी आपकी लिगेंड आइसोमर्स कहलाती है। नेक्स्ट है आपका कोऑर्डिनेशन पोजिशन आइसोमर्स, सेकेंड आइसोमर्स आपके पास जो है लास्ट, ये आपकी लास्ट है। इसके बाद आइसोमर्स से रिलेटेड सारे आपके पार्ट कंप्लीट हो जाते हैं। कोऑर्डिनेशन पोजिशन आइसोमर्स, कोऑर्डिनेशन पोजिशन आइसोमर्स क्या होते हैं, देखिए दिस टाइप ऑफ आइसोमर्स अकर इन द ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड एंड अराइजेस ड्यू टू द डिफरेंटली प्लेस्ड नॉन ब्रिजिंग लिगेंड अराउंड द सेंटर मेटल एटम और आयन। इस तरह की जो आइसोमर्स डेवलप होती है किसके कारण होती है, ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स का, मेनली जो ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स होते हैं वो कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स को शो करते हैं। जैसे कि आपको मैं एक्सप्लेन करती हूँ, हमारे पास एक कंपाउंड है, इसका वॉल्यूम ऑफ ये है, ये दो सेंटर मेटल है, एक कोबाल्ट हो गया एक कोबाल्ट हो गया, इसमें ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स क्या है, म्यू वाले बाइंडेड म्यू वाले लिगेंड क्या है, ब्रिजिंग कंपाउंड क्या है, ये आपका CO और यहाँ ये OR, यहाँ पर भी क्या है OR। इस CO से NH3 कितने टाइम जुड़ा है, चार टाइम, और इससे NH3 कितने बार जुड़ा है, दो बार, मतलब इस CO से NH3 चार जुड़ा है, उससे कितने जुड़ा है, दो। अब हम इसका नाम बोलेंगे तो इसका नाम होगा टेट्रामीन कोबाल्ट 3 म्यू हाइड्रोक्सी, एक म्यू हाइड्रोक्सी, दूसरा म्यू हाइड्रोक्सी, म्यू डाई हाइड्रोक्सी, डायमीन डायमीन कोबाल्ट कोबाल्ट डाइक्लोराइड 2 ऑक्सीडेशन पर कितना होगा 2, ठीक। अब इसका आइसोमर्स बनाना चाहेंगे तो हम इसका आइसोमर्स कैसे बनाएंगे, इसका आइसोमर्स बनाने का तरीका यह है कि हम इसमें से एक लिगेंड को यहां से यहां को ट्रांसफर कर देते हैं। कौन से आइसोमर चाहिए, कोऑर्डिनेशन पोजिशन, पोजिशन ही चेंज करेंगे, केवल पोजिशन को चेंज कर देना है। आपको अगर मैं यहां से इसको एनएसटी से यहां को शिफ्ट कर दूंगी तो आप खुद देखिए यहां पर 5 हो जाएंगे यहां पर 1 हो जाएंगे, ठीक है। तो ज्यादा बैलेंस ज्यादा बढ़िया है कि हम उसको बैलेंस करें, बैलेंस करेंगे तो 1 यहां से यहां पहुंचा दिया, यहां पहुंचाया तो क्या बना, देखिए क्या बना, NH3 का होल 3 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, हमने कुछ नहीं करा, हमने केवल उसकी पोजिशन को क्या करा, देखिए यहां पर 4 थे यहां पर 2 थे, हमने इसकी पोजिशन चेंज करी और ये 3 हो गया ये 3 हो गया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हुआ, बस उसकी पोजीशन में क्या आ गया, चेंज आ गया। जब पोजीशन में चेंज आया तो उसका नेमिंग भी चेंज आ गया, क्या चेंज आई, ये हो गया अभी तो डायमीन था, अभी हो गया ट्राइमीन ट्राइमीन, क्लोरिडो क्लोरिडो, कोबाल्ट कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन नंबर 3 है, म्यू हाइड्रोक्सी कितनी बार है, 2 बार है, तो डाई हाइड्रोक्सी हो गया, ट्राइमीन ट्राइमीन, क्लोराइड क्लोराइड, कोबाल्ट कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन नंबर 3। ऑक्सीडेशन 3 कैसे आ रहा है मैं आपको पहले भी निकालने सिखा चुकी हूँ, लेकिन फिर बताते हैं, देखिए ये हो गया -1 ये हो गया -1 योगा माइनस वन योगा माइनस वन, टोटल मिला कितना होगा -4 हो गया, कितना हो गया आपका टोटल मिला के हो गया आपका -4 और -4 प्लस 2 CO, दो सेंटर मेटल है इज इक्वल टू +2, ये हमारा -1 चार्ज होता है, इस पर -1 हो गया, इस पर -1 हो गया, इस पर माइनस -1 -1 -1 -4 दो CO, दो सेंटर मेटल, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर सेंटर मेटल का निकालना है, इज इक्वल टू +2, हो गया 2CO इज इक्वल टू +2 एंड +4 इक्वल करता जाके -4, ये हो गया 6CO इज इक्वल टू कितना हो गया 3, कितना आया 3, तो हमने ऑक्सीडेशन नंबर 3 लिखा है, देखिए हमने इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना लिखा है 3 लिखा है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम था, ये देखिए ऑक्सीडेशन नंबर 3 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम था बट लिगेंड की पोजीशन को क्या करते हैं चेंज करते हैं। तो इस तरह की आइसोमेरेज किस कैटेगरी में आ जाती है आपका कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरेज। तो कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरेज अमोनिया एंड क्लोराइड लिगेंड आर डिफरेंटली प्लेस्ड इन द अबव टू डिफरेंट आइसोमर्स। इस फॉर्मूले में अमोनिया और क्लोरीन ने अपनी पोजीशन को क्या करा चेंज करा, ठीक है। पहले वाले स्ट्रक्चर में दोनों पहले वाले स्ट्रक्चर में आपने देखा दोनों क्लोरीन एक साथ थे, दोनों क्लोरीन एक साथ थे, हमने यहां क्लोरीन को इधर इस जब हमने NH3 को यहां से यहां शिफ्ट करा तो भाई बैलेंस तो करा ही हुआ, चार यहां लिगेंड थे, दो और एक दो चार यहां पर थे बराबर थे। अब हमने एक यहां से यहां शिफ्ट करा तो हमने यहां शिफ्ट करा तो ये तीन होगा, ये तीन होगा, इस दो क्लोरीन में से एक क्लोरीन यहां शिफ्ट कर दिया था और इनकी पोजीशन क्या कर दी थी चेंज कर दी थी। तो इस तरह के आइसोमर्स हमारे पास में आ जाता है कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमर्स में आ जाता है। तो मॉलिक्यूल फॉर्मूला सेम है लेकिन उनकी पोजीशन क्या होगी चेंज होगी। तो इस तरह के आइसोमर्स हमारे क्या कहलाएंगे कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमर्स। तो ये थी हमारी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के आइसोमर्स, जितनी भी आइसोमर्स थी मैं सारी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पूरी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, उनकी नेमिंग उनके स्ट्रक्चर्स उनकी प्रॉपर्टीज एंड लास्ट इज द आइसोमर्स, ठीक है। तो जितने भी पार्ट थे आपके कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री आपके बेसिक सेकेंडरी के स्टूडेंट को स्पेशली कोऑर्डिनेशन का पार्ट में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है तो सॉल्व करने के लिए हेल्पफुल रहेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।